नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल में बॉर्डर इंसर्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने अलग अलग पेजेस में अलग अलग तरह से बॉर्डर, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर इंसर्ट कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से हम जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में आपको मिलेगा पेज बॉर्डर ऑप्शन। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आपको बॉर्डर की खूब सारी स्टाइल दिखाई देंगी। पेज बॉर्डर जो सेक्शन है उसमें अलग अलग तरह की स्टाइल्स दे रखी हैं। यहाँ से आप जो भी स्टाइल लेंगे उस तरह का पेज बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से नीचे कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने बॉर्डर का, साथ ही साथ उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे दे रखा आर्ट, यहाँ से आप आर्टिस्टिक बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस बना रखे हैं सारे पेजेस पर एक जैसा बॉर्डर हमको अप्लाई हो जाता है, हमें दिखाई देता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पेजेस पर अलग अलग पेज पर अलग अलग तरह का बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे। उसके लिए अगर आप बॉर्डर को हटाना चाहें तो पेज बॉर्डर पर फिर से जाएं और डन पर क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ से आप अपना बॉर्डर क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए सारे पेजेस से हमारा बॉर्डर रिमूव हो चुका है। दोस्तों, यदि आप डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के अंदर आप जो भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहें उस बॉर्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको अप्लाई टू वाला सेक्शन जो यहाँ दे रखा है उसका यूज़ करना है। अप्लाई टू सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा दिस सेक्शन। दिस सेक्शन पर क्लिक करके आपको ओके करना है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट नहीं करना, दिस सेक्शन देन ओके। आपको इस पेज पर बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक और पेज आपको बनाना है, लेकिन अब की बार जो पेज बनाना है वो एंटर प्रेस करके नहीं बनाना। आपको पेज बनाना है ब्रेक्स ऑप्शन के अंदर दिए गए सेक्शन ब्रेक के थ्रू। सेक्शन ब्रेक में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पेज। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, पर यहाँ तो फिर से वही बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो अब आपको इस बॉर्डर को चेंज करने के लिए पेज बॉर्डर पर जाना है। पेज बॉर्डर ऑप्शन के अंदर से अपना जो भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है उस बॉर्डर को सेलेक्ट करना है। देन अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप गलती से ये कर देते हैं तो सारा जितने पेजेस आपने बना रखे हैं सारे पेजेस पर सेम आपको बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैंने पहले जैसा किया, वापस से होल डॉक्यूमेंट की जगह पर एक मैंने नया बॉर्डर सेलेक्ट किया, होल डॉक्यूमेंट की जगह पर दिस सेक्शन देन ओके। आप देखेंगे यहाँ पर नया बॉर्डर अप्लाई हो गया। ऐसे ही अगला पेज हमको यूज़ करना है तो नेक्स्ट पेज के लिए फिर से जाना है ब्रेक, सेक्शन ब्रेक में से नेक्स्ट पेज। अगला पेज आ गया और यहाँ पर वही बॉर्डर जो सेकंड पेज पे था वही यहाँ थर्ड पेज पर आ रहा है। तो फिर से पेज बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर को आप चेंज कर लीजिए। जैसा आप बॉर्डर आपको ठीक लगे आप अपना बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए। जैसे हार्ट शेप ले लिया मैंने और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट की जगह पर दिस सेक्शन देन ओके। आप देखेंगे कि फिर से हमारा बॉर्डर चेंज हो गया है। इस तरह से आप अलग अलग पेजेस पर अलग अलग बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।